और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार से हाल बेहाल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इसी की वजह से लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का भी अब सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि पास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही। दिल्ली में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कोहरे की मार की वजह से गाड़ी चलाना किसी चुनौती से कम नहीं दिखाई दे रहा। और तीन तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। कड़ाके की ठंड तो है ही और ऐसे में फॉग की वजह से यहाँ लोगों के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और यहाँ चुनौती जो है वो डबल हो गई है। दिल्ली से तस्वीर आप देखिए, विजिबिलिटी काफी कम है, तापमान में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है और अभी आने वाले समय में भी अगर इसी तरीके से ठंड और कोहरा रहता है तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, खास तौर पर सुबह। ये तस्वीर आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीर है। आपको दिखाई देगा कि आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा लोग अपने गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सुबह के समय में भी आगे बढ़ रहे हैं और रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया गया है। तो लगातार बीते तीन दिनों से इस तरह के हालात हैं और आने वाले अभी कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे, ये मौसम विभाग का कहना है। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो यातायात को लेकर ही होती है, क्योंकि फॉग में ड्राइविंग करना मुश्किल है, ट्रेन की रफ्तार पर असर पड़ता है, फ्लाइट्स पर भी असर पड़ता है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित पांडे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप बताइए अयोध्या में कोहरे और ठंड को लेकर क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? और देखिए, दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत में भी घने कोहरे की चादर है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे कोहरे की घनी चादर है और कल रात से ही ये चादर है और विजिबिलिटी जो है वो करीब 30 से 40 मीटर ही है और जैसे जैसे और सुबह होगी और लाइट पड़ेगी, उम्मीद ये की जा रही कि और ज़्यादा यह घटेगी और 10 से 15 मीटर ये हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से कोहरे की घनी चादर है और 7 बजे का वक्त हो रहा है, बावजूद इसके लाइट जलाना पड़ रहा है वाहनों को और जो बत्तियां हैं वो कैसे चमकती हुई दिख रही हैं। तो ये नज़ारा अयोध्या का है और आज यहाँ पर सीएम योगी का भी दौरा है और अलग अलग जो इवेंट हैं वो शुरू हो जाएंगे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर। तो यहाँ पर भी घने कोहरे की चादर के असर को साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है, बेहद सावधानी से जो लोग सड़क पर चल रहे हैं वो अख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित आपको दिखा रहे थे और ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आई है, विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही है। सुबह की ये तस्वीर जहां पर गाड़ी को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है, गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और उम्मीद इस बात की है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये कोहरा छट जाएगा और लोगों की मुश्किल कम हो जाएगी, क्योंकि अगर धूप नहीं निकलेगी तो फिर इसी तरीके से पूरे दिन लोगों के लिए गाड़ी चलाना और खास तौर पर उसके बाद जब शाम में अंधेरा होने लगेगा तो फिर मुश्किल और बढ़ सकती है। अभी भी आने वाले कुछ दिनों तक ठंड इसी तरीके से रहने वाली है मौसम विभाग के मुताबिक, तो अभी क्या इस कोहरे से राहत मिलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। प्रियंका कांडपाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, प्रियंका का हम सीधा रुख कर लेते हैं। प्रियंका, ये तस्वीरें बहुत डरा देने वाली भी हैं क्योंकि सामने क्या है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और खास तौर पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और मौसम विभाग ने अभी क्या कहा है। देखिए, मैं पहले तो आपको ये बाराखंबा सर्कल से तस्वीरें दिखा देती हूँ जिससे एक अंदाजा आपको हो जाएगा कि जिस इलाके में फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत बेहतर है। जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग पॉकेट्स में आज डेंस फॉग बना हुआ है और अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ की स्थिति बेहतर है तो आप जरा इसके फॉग को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दिल्ली में क्या हाल होगा। जब ड्राइव आप कर रहे हैं तो आप 10 से 20 की स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा है। और इसी तरीके की डेंस फॉग को लेकर आईएमडी ने कल चेतावनी दी थी, इसीलिए आज रेड फॉग अलर्ट कहा जा रहा है, यानी कि ये डेंस फॉग
ना केवल दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी बना हुआ है। सुबह से अगर बात की जाए तो ये फॉग जो था वो गहराना शुरू हो गया था और खास तौर पर ये माना जा रहा है कि इससे यातायात भी प्रभावित होगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी ट्रेन या फ्लाइट की डाइवर्जन को लेकर नहीं आई, लेकिन शुक्रिया आपका प्रियंका। देखिए दर्शक देख पा रहे हैं कि कितनी मुश्किलियां बढ़ने वाली है लोगों के लिए, इसलिए गुजारिश यही है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर में ही रहें।